तो बात कश्मीर फाइल्स की कर लेते हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला के अमरावती एनक्लेव सिनेमा हॉल में द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने को पहुंचे। हरियाणा में मनोहर सरकार ने द कश्मीर फाइल फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। इस फिल्म को देखने उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला मेयर कुलभूषण गोयल, संगठन मंत्री रविंद्र राजू और बीजेपी और आरएसएस के कई बड़े चेहरे यहां मौजूद थे। द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर ने कहा कि इस फिल्म के बारे में बहुत सुना था। इस फिल्म के माध्यम से पहले की कश्मीरी पंडितों की दयनीय स्थिति दिखाई गई है। ये परिस्थितियां 370 हटाने से पहले की हैं। वास्तव में ये कहानी जनता के सामने आनी चाहिए थी। वहीं उन्होंने कहा कि फिल्म में रियलिटी, सजीवपन और सभी परिस्थितियों को बड़े ही अच्छे से दिखाया गया है। सारी स्टोरी है वो केवल हमारे टैक्स फ्री करने से ही लोग उसमें उत्साही है या उसमें उसकी उत्सुकता होती है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी टैक्स फ्री करने से आम जन बड़ी संख्या में, ज़्यादा संख्या में इस पहली फिल्म को देखे और मन में यानी देश के प्रेम का जो होना चाहिए उसका एक लाभ निश्चित रूप से होगा। इसलिए अभिनय कैसा लगा आपको सभी किरदारों? तो बढ़ते खबरों में आगे, कुछ और खबरों पर बात कर लेते हैं। तो एटा में चाय बनाना एक शख्स को महंगा पड़ गया। जी हां, शख्स पेट्रोल पंप पर चाय बना रहा था तभी गैस सिलेंडर फटता है और बड़ा हादसा हो जाता है। तेज धमाके में भीषण आग तो लगी ही, इसके साथ भी पास की दीवार भी गिर गई। फिलहाल घायल शख्स को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। तो तस्वीर आप एटा की देख रहे हैं, पेट्रोल पंप पर ब्लास्ट हो जाता है। चाय बनाते समय इतना भीषण हादसा होता है कि शख्स तो घायल होता ही है, इसके साथ ही उसके पास की जो दीवार होती है वो भी गिर जाती है। तो चाय बनाने के दौरान ये भीषण हादसा पेट्रोल पंप पर होता है, सिलेंडर फट जाता है, पास की दीवार गिर जाती है, शख्स गंभीर रूप से घायल हो जाता है।